की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहादुरगढ़ हल्के का जौहरी नगर कॉलोनी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी की पुत्र वधु। जी हाँ, बात कर लेते हैं, प्रीति भूपेंद्र सिंह राठी हमारे साथ है, वर्तमान में पार्षद भी है। कैसा चल रहा है प्रचार? प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है हमें, और जहाँ तक है ये इलेक्शन इस बार हम जरूर जीतेंगे। मुकाबला किसे मानते हैं? कुछ चंद ही दिन बचे हैं। मुकाबला किसी से नहीं मान रहे हम। जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल है। यदि जीत हो जाती है, भादुड़ का आशीर्वाद रहता है, तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो शुरुआती दौर में किए जाएंगे? मुद्दे पानी की निकासी, सड़कों की समस्याएं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका बहुत काम करवाना बाकी है। और जैसे ही मेरी माँ शीला नफे सिंह राठी जी जीत के विधानसभा में जाएंगी, वैसे ही तुरंत हम वो काम करवाने का सारा अपील कर देंगे। हम बाजार में घूम रहे थे, हमने देखा था कि महिलाओं के लिए काफ़ी समस्या है ना, वहाँ पर वॉशरूम है ना, पीने के लिए साफ पानी है। महिलाओं की आस है शीला नफे सिंह राठी से, यदि शीला नफे सिंह राठी बनकर जाती है तो महिलाएं आशा भरी निगाहों से देख रही है। बिल्कुल पूरी होगी वो, जल्दी ही जल्द इस पे काम किया जाएगा। कैसा चल रहा है, आप लोग भी साथ में घूम रहे हो, प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब ये कह रहे हैं आपकी बार बारे मतों से सामने शीला राठी जी को जिताएंगे। अच्छा। कोई नहीं है टक्कर में, कोई भी नहीं है टक्कर में, इसीलिए शीला राठी को जिताएंगे। जी, क्या माहौल है? बिल्कुल जीतेंगे सर, 101% जीतेंगे। महिलाएं जिस भी गली में जाते हैं, नंबर एक तो कूड़े के ढेर लगे होते हैं, दूसरा सीवर ब्लॉक की जाए, तीसरा पानी इतना गंदा आ रहा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जहाँ जाते हैं वही रखते हैं। जैसे ही शीला नफे सिंह राठी जी बनेंगी, सबसे पहले वो इनका काम ही कराएंगे। ठीक है, हर वार्ड में 11 लाख रुपए की सुविधा देंगी अपने खाते से, और उसके बाद सरकार से फंड दिलवाएंगी और विकास ही विकास करवाएंगी। शीला राठी जिंदाबाद। एक बड़ी घोषणा की है, यदि बन जाते हैं सरकार, अगर कोई ग्रांट नहीं देती है तो पर्सनल खाते से 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप बहादुरगढ़ की जनता को एक बार विस्तार से बताएं, और क्या बहादुरगढ़ की जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? बहादुरगढ़ की जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमें जिताए, विजयी बनाए, मेरी माँ को शीला नफे सिंह राठी जी को विधानसभा में भेजे, और उनके जल्द से जल्द सारी समस्याएं दूर की जाएगी। हमने बात की है शीला नफे सिंह राठी की पुत्र वधु है प्रीति भूपेंद्र राठी। आप हमारे पीछे जो ये महिलाओं का काफिला देख रहे हैं, ये सभी इनके साथ प्रचार में लगे हुए हैं, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि यदि शीला नफे सिंह राठी विधायक बनती हैं तो बहादुरगढ़ की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। बहादुरगढ़ से इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी की पुत्र वधु व वार्ड नंबर 15 से इनेलो पार्षद प्रीति भूपेंद्र सिंह राठी ने संभाली चुनावी कमान। आपको बता दें कि प्रीति भूपेंद्र सिंह राठी ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लाइन पार में लोगों से मुलाकात की व लोगों से 5 अक्टूबर को इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रीति राठी ने लोगों से मुलाकात करके समस्याओं को जाना, और इस बार विधानसभा चुनाव में शीला नफे सिंह राठी के पहुंचते ही तुरंत प्रभाव से उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों को आश्वासन भी दिया। मीडिया के समक्ष बातचीत के दौरान पार्षद प्रीति भूपेंद्र सिंह राठी ने बताया कि जिस गली में वह प्रचार करने के लिए लोगों से मुलाकात करती हैं, सभी लोग उन्हें बहादुरगढ़ हल्के की समस्याओं के अंबार के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। प्रीति राठी ने बताया कि इस बार लोगों ने मन बना लिया है, और इस बार वह चश्मे के निशान पर बटन दबाएंगे और बहादुरगढ़ का पिछले कई वर्षों से रुके हुए विकास का पहिया घुमाएंगे। प्रीति राठी ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और भरपूर मात्रा में समर्थन भी मिल रहा है।